नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका दिव्यांग न्यूज चैनल के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे साथ में हमारे दिव्यांग स्टूडियो में उपस्थित है एक विशेष व्यक्ति श्री मथुरभाई सवानी, जो पद्मश्री अवार्डी हैं। तो स्वागत है सर आपका दिव्यांग न्यूज चैनल के स्टूडियो में। मथुरभाई की मैं बात करूँ तो मूल सौराष्ट्र से हैं। 1975 में वो सूरत की ओर आए। 1975 से लेकर 80 तक हीरे के व्यवसाय में कुछ काम किया उन्होंने। फिर खुद की एक फर्म चालू की उन्होंने सवानी ब्रदर्स के नाम से, और धीरे 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 वो आगे बढ़ते गए, बड़े सफल रहे उसमें। इसके दौरान वो इज़राइल आते जाते थे उनके व्यवसाय के काम से। वहाँ पर उन्होंने देखा कि टेक्नोलॉजी इज़राइल की बहुत ही अव्वल नंबर पर, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से काम करते हैं। तो वहाँ पर वाटर कंजर्वेशन, मतलब पानी की बचत कैसे की जाए, उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो उनको एक प्रेरणा मिली कि यही चीज़ अगर हम हमारे देश में, हमारे गांव में इसको अगर अमल करते हैं तो ये पूरी काया पलट हो सकती है। तो उसी सोच विचार के साथ 1997 में उन्होंने सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट नाम की एक संस्था की, उसकी नींव रखी। इसी वजह से कि उनको अपने गाँव में, इर्द गिर्द सारे गाँव में पानी के साथ बचा कर, पानी को बचा कर जो पानी की समस्या है उसका कुछ निदान कर सकें। तो श्री मथुरभाई सवानी से मैं कहूँगा कि ये जो यात्रा रही है, मैंने तो बड़ी संक्षिप्त में आपसे बताया कि थोड़ा विस्तार में बताइए दर्शकों को कि मथुरभाई सवानी एक व्यक्ति जो बहुमुखी व्यक्तित्व तो है, आप तो आपके अलग अलग पहलू के बारे में, आप गांव से सूरत आए उसके बीच में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, सूरत आने के बाद आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए सर। पहले तो मैं, मेरी बात करने से पहले मैं जो हमारे सूरत में ये दिव्यांग चैनल का जो प्रारंभ हुआ है, इस सारा राष्ट्र के लिए, हमारे देश के सभी दिव्यांग भाई बहन के लिए काम करने वाली ये चैनल, और उसका निर्माण में हमारे कनू भाई टेलर वर्षों से दिव्यांग के लिए काम कर रहा है। तो मुझे ये दिव्यांग के लिए चैनल शुरू की, इसके लिए बहुत आनंद हुआ। और कनू भाई और उसकी टीम में सब जो काम कर रहा है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, खुद बहुत बहुत अभिनंदन है। बात रही मेरा जो कहीं सूरत में आना, बिजनेस में सेटल था ना, और सेवा का, मैं एक सामान्य किसान का पुत्र हूँ। मेरे पिता भावनगर जिला का जो गरडा तालुका है, इसके खोपाले गांव में खेती का काम कर रहा था। मैं 12 साल का था तब सूरत डायमंड के काम में हीरा घसने के लिए आया। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 18 साल की उम्र हो गई, बाद में मैंने बिजनेस शुरू किया, सवानी ब्रदर्स नाम की डायमंड की कंपनी। साथ में मेरा जो मानस था वो ग्रामीण मानस था। मैं सूरत आया, लेकिन दिवाली का वैकेशन मेरा जन्मभूमि का गांव में ही बिताता था, क्योंकि मुझे ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण पे लगाव था। तो बिजनेस के लिए हमको यूरोप और इजराइल जाना पड़ता था। तो मैं गांव में दिवाली के वैकेशन में होता था, तब मेरे माइंड में एक बात आती थी कि हम छोटे छोटे थे तब हमारे गांव में पानी की कोई तिलक नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, गांव के हरियाली थी। लेकिन धीरे 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 पानी की बहुत तकलीफ हुई। तो मन में एक विचार आता था कि हमारे साथ आज़ाद हुआ इजराइल, वो रण प्रदेश है, पानी, बारिश भी कम होती है, हमारी बारिश ज़्यादा होती है,
तो इसराइल एक रण प्रदेश, बारिश कम लेकिन विश्व आखा में खेती प्रधान देश के लिए उसने नामना की, तो इसमें क्या विशेषता है? तो उन्होंने पहले दिन से पानी मैनेजमेंट का कार्यक्रम किया, तो हमारे देश में ही होना चाहिए। कौन करेगा, कैसे करेगा? तो मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ चर्चा की, सभी ने किया कि आपको विचार आया है, आपको करना पड़ेगा। मुझे ऐसा विचार आता था कि मैं तो डायमंड का व्यापारी, मेरी बात कौन सुनेगा, इसके लिए मैं कोई टेक्निकल तो हूं नहीं। मेरा आत्मा का आवाज ने जवाब दिया कि दूसरों को कहने का अधिकार जो प्राप्त करना है तो खुद से, घर से, लेकिन खुद से गांव से एक मॉडल करना पड़ेगा। वो मॉडल सफल होगा तो दूसरों को कहने के लिए अधिकार प्राप्त होगा। मैंने पानी मैनेजमेंट का कार्यक्रम बढ़ाने के लिए, मेरा जो गांव है खोपाला, इस गांव में 200 डैम, 10 तालाब का 1998 में एक मॉडल तैयार किया, गांव के सभी लोगों को साथ रखकर, सभी का सहयोग से एक साथ, उसका बहुत अच्छा परिणाम आया, बहुत अच्छा परिणाम आया। तब गुजरात का खेत उत्पादन 7,000 करोड़ का था, अभी 1,26,000 करोड़ हो गया है। तब गुजरात में जो कॉटन होता है तो 5 मण की एक गांसड़ी बोलते हैं, तो 5 लाख गांसड़ी का उत्पादन था, अभी समग्र देश में 3.5 करोड़ गांसड़ी का उत्पादन है, इसमें से 1,10,00,000 गुजरात में होता है। पानी के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो गुजरात में 10,000 गांव से लोग सूरत में रहते हैं, कोई गांव से 200 लोग है तो कोई गांव से 2,000 लोग है, तो हमने सूरत में सभी गांव के साथ मीटिंग की, कार्यक्रम, बहुत कार्यक्रम किया और सभी को अपील की कि जन्मभूमि को हरियाली लाने के लिए, ऋण सुकाने के लिए, गांव गांव में पानी मैनेजमेंट के लिए, पानी, बारिश का पानी रोकने के लिए, जल संचय के लिए कमेटी होनी चाहिए। गांव गांव कमेटी बन गई। मैंने सौराष्ट्र की 2 पदयात्रा की, एक पदयात्रा मोरहारी बापू से गांव से पोरबंदर तक 20 दिन की, मोरहारी बापू से महात्मा बापू तक, ऐसे मैंने बहुत गांव के प्रवास किया। और सरकार, गांव कमेटी और ये गांव के लोग, विदेश में हो के देश के अन्य शहर में हो, सभी को गांव के साथ जोड़ने का काम किया, उसका परिणाम बहुत अच्छा आया। लाखों की संख्या में बारिश का पानी धरती पर रोकने के लिए छोटे मोटे डैम और तालाब, खेत तालावड़ी हुआ, परिणाम ये आया के पानी का तल बहुत ऊपर आया। आपने भाइयों बहनों सुना होगा, 2 साल पहले महाराष्ट्र में पीने के लिए ट्रेन में पानी आता था, वो हमारे गुजरात में तो 1987 में पीने के लिए ट्रेन में सौराष्ट्र में पानी जाता था, बहुत परिस्थिति खराब थी। तो पानी मैनेजमेंट का कार्यक्रम में एक होता है बारिश का पानी धरती पर रोककर जल संचय करना, और दूसरा होता है कि उसका यूज जो डीप इरिगेशन से होना चाहिए। देसी पद्धति से जो पानी खेत को देते हैं हम, तो इसमें जो पानी होता है वो पानी हम जो डीप इरिगेशन देते हैं तो 1 एकड़ नहीं, 5 एकड़ में हो सकता है। तो बहुत हमारे गुजरात की जो 96 लाख हेक्टर जमीन में खेत का खेती होती है, अभी 16 लाख हेक्टर में डीप इरिगेशन का काम हो गया है। इसमें
सरकार की भी बहुत सारी अच्छी योजना है, सब्सिडी है, 70% सब्सिडी है और 30% खेडूत जोड़ते हैं, बहुत पीढ़े से आगे बन रहा है। आने वाले 5 साल में 40,000 हेक्टेयर में हो सकता है, ये गति से आगर डीप इरीगेशन का कार्यक्रम चल रहा है। भाइयों बहनों, हमको स्कूल के कोई विद्यार्थी के समक्ष बात रखते हैं तो विद्यार्थी बोलते हैं कि रोजगारी तो कारखाना में होती है। तब मैं विद्यार्थी को बताता हूँ, जो कारखाना में प्रोडक्ट बनती है, ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए कोई तैयार हो तब रोजगारी होती है। हमारे देश खेती प्रधान देश बोलते हैं, क्यों कि खेत के आधार पर हमारी रोजगारी होती है, इसलिए हम खेती प्रधान देश हैं। खेती कैसे कैसे रोजगारी देती है, मैं विद्यार्थी समक्ष बात रखता हूँ कि हमारे देश में 30 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है, 30 करोड़ हेक्टेयर में ट्रैक्टर की जरूरत होती है, तो सभी ट्रैक्टर किसान के लिए बनते हैं, खेत के लिए बनते हैं। एक ट्रैक्टर बनाने के लिए 38 स्पेयर पार्ट जरूरत होती है, वो 38 स्पेयर पार्ट बनाने के लिए जो कारखाना होता है, लाखों की संख्या में कारखाना होता है, वो सब कारखाना रोजगारी देता है और इसमें से एक ट्रैक्टर बनता है, वो ट्रैक्टर खेडूत खरीदता है। तो खेडूत जो ट्रैक्टर बन रहा है, सब ट्रैक्टर खेडूत ही खरीदता है, तो ट्रैक्टर खेती के हिसाब से ये सभी रोजगारी वो डेवलप हुई है। ऐसे खातर में ऐसा सेम है, इसमें डीप इरीगेशन में ऐसा सेम है, जो अन्य खेती की जरूरियात है इसमें ऐसा सेम है। तो खेती की जरूरियात, हमारे देश में छोटे बड़े करोड़ों कारखाना का जो इसके आधार पे चलता है, इसलिए हमारी खेती जो मक्कम होती है, खेती हमारी बहुत स्ट्रांग होती है, तब उसकी जरूरियात है वो ज़्यादा हो जाती है और कारखाना ज़्यादा चलता है, ज़्यादा चलता है तो ज़्यादा रोजगारी होती है। तो खेती स्ट्रांग करने के लिए पानी का बहुत महत्व है, इसलिए हमको पानी बचाना है। पानी बचाने के साथ साथ उसका यूज पर वैज्ञानिक पद्धति से करना है, तो हमारा देश का जो सर्वांगीण विकास करने के लिए पानी का अच्छा मैनेजमेंट करना जरूरी है। पानी खेत के लिए जरूर होता है, ऐसा तो नहीं होता है, पानी पीने की जरूरत है, पानी कारखाने में जरूरत है, सभी में हमको सावधानी पूर्वक पानी का यूज करना चाहिए। हमारे देश के तंदुरुस्त आरोग्य, हमारे देश का आरोग्य अच्छा हो, इसलिए हमारे नदियों भी साफ सुथरी होनी चाहिए। तो साफ सुथरी नदियों रखनी है तो हमारे जो इंडस्ट्रियल पानी गटर में होता है, शहर की गटरों से नदियों में जाती है, उसको शुद्ध करने गटर नदी में छोड़ना चाहिए। तो ये भी सारे देश में एक अभियान चल रहा है, प्रधानमंत्री शुद्धिकरण माटे काम कर रहा है, केंद्र सरकार काम कर रहे है, राज्य सरकार काम कर रहे है, जागरूक लोग काम कर रहे है। तो हमारे देश में ऐसा होना चाहिए कि जो बड़े बड़े शहर है उसका जो पानी का यूज हुआ, यूज के बाद जो गटर में जाता है उसको शुद्ध करना चाहिए, शुद्ध करके वापस उसको खेती में छोड़ देना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि सूरत हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, ये बड़े शहर में कितना पानी यूज होता है, वो पानी उसको देने के लिए जो ग्रामीण विस्तार में बड़े बड़े सरोवर होता है उसको रिजर्व रखना पड़ता है। वो रिजर्व सरोवर के आसपास पे लोग पानी नहीं ले सकते हैं, क्यों कि वो शहर को देना है, पीने के लिए देना है, यूज करने के लिए देना है। तो इस शहर की जिम्मेदारी बनती है कि वो पानी यूज करके शुद्ध कर वापस ये विस्तार में उसको यूज करने के लिए, डीप इरीगेशन से खेती में यूज करने के लिए वापस देना चाहिए। तो ऐसे कोई विस्तार में काम हो आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर मेरा कहना ये है कि हमारा देश का सर्वांगीण विकास के लिए हमको पानी का अच्छा मैनेजमेंट करना चाहिए। पानी का मैनेजमेंट करने के लिए सभी जागरूक लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है,
सरकार एक अकेली कभी कोई प्रश्न नहीं हल करेगी। सरकार के साथ साथ जो ग्रामीण लोग है, शहरी लोग है, सबको साथ मिला के प्रश्नों को हल करना है। तो ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा हमारे समग्र देश में। गुजरात में जो पानी मैनेजमेंट के लिए काम हुआ है, ये सारे देश में प्रेरणादायक है। मथुर भाई, आपने बहुत विस्तार में दर्शकों को बताया कि कैसे आप ये सफर में जुड़े और क्या क्या कैसे कैसे काम किए। जलधारा ट्रस्ट जो 1997 में आपने जिसकी स्थापना की, उसके माध्यम से आपने ये वाटर कंजर्वेशन का काफ़ी काम किया। जो बांध मतलब डैम जो बनाए हैं, वो कहाँ कहाँ किस किस एरिया में बनाए, कितने विस्तार में बनाए, कैसे बनाए, उसमें आपकी कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसमें कितने विस्तार में आपको ये पानी का उपयोग आया, उसका थोड़ा विस्तार में बताइए। ग्रामीण जो पानी होता है उसके 75% पानी तो खेत में यूज होता है। तो पहले तो पानी बचाव के लिए ग्रामीण विस्तार में जागरूकता जरूरी थी। तो हमने जो सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट की स्थापना की, उस माध्यम से हमने सारे गुजरात के गांव में जागरूकता लाने के लिए काम किया। तो कोई समक्ष बात रखते हैं तो वो बात के साथ साथ सहयोग की भी अपेक्षा रखता है। तो हमने सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट ने 40 GCB मशीन रखा था, वो गांव कमेटी को डीजल में दिया, 13 साल दिया। 13 साल में हमारा मशीन टूटा हो गया, 13 साल दिया। गांव वाले डीजल पुराते थे, हम डीजल में उसको मशीन देते थे। ड्राइवर हमारा था, दूसरा खर्च हमारा था, ट्रस्ट का था। और सरकार की योजना उस तक पहुंचे इसके लिए 125 लोगों का हमने स्टाफ रखा था। और ऐसे समग्र गुजरात में सरकार और गांव को जोड़ने के लिए हमने काम किया है। ग्रामीण विस्तार में विकास के लिए अवरोध क्या होता है कि गांव में 1000 लोग है तो इसमें तमन्ना वाले सभी लोग शहर में चले जाते हैं। गांव में जो लोग रहते हैं थोड़ा शांत लोग रहते हैं, थोड़ी तमन्ना कम होती है, तो उसको जागृत करना, उसको कामे लगाना थोड़ा कठिन होता है। गांव हमारे देश के गांव कोई ज्ञातिवाद में फंसा हुआ है, संप्रदायवाद में फंसा हुआ है, पॉलिटिकल वाद में फंसा हुआ है, इसमें से बाहर कटकर उसको जोड़ना होता है, उसको जोड़कर ये काम करना पड़ता है। तो कठिन तो है, जागृति लानी पड़ती है, लेने पड़ते हैं। लेकिन ये काम करने के लिए ये गांव से जो शहर में जो लोग गए हैं, शहर में कोई छोटे बड़े बिजनेस में सफल हुए हैं, वो गांव के जोड़ने के लिए बहुत उपयोगी होता है। क्यों? कि वो जो सुखी हुआ तो गांव में स्कूल बनते हैं तो उन्होंने सहयोग किया, मंदिर बनता है तो सहयोग किया, गांव के विकास में आर्थिक सहयोग किया और जोड़ने के काम किया। वो गांव में आकर बोलते हैं कि हमारे गांव के विकास करने के लिए सभी को एक होना है, तब लोग बात उसकी सुनते हैं। सही बात। तो इसलिए हमने बड़े सभी गांव के जो बिजनेस के लिए जो गांव से बाहर गए उनको सभी को एक कार्य में लगाया। इसका हिसाब से बहुत अच्छा परिणाम हुआ। और काम करने के लिए छोटे बड़े प्रश्न तो होते हैं, लेकिन उसको उकेल लाने के लिए सतत काम करना पड़ता है। तो बहुत बड़ी एक टीम बनी सूरत ने, छोटे बड़े सभी लोगों ने, सभी गांव में काम करने के लिए 10,000 से ज़्यादा गांव में काम करने के लिए गांव-गांव में कमेटी बनाई, बहुत प्रवास किया। सतत 15 साल ही कार्यक्रम चला, बहुत प्रवास हुआ। तो ऐसे काम हुआ है। तो वहाँ पर ओवरऑल कितने डैम बनाए आपने? हमने तो एक भी डैम नहीं बनाया, सभी गांव कमेटी ने डैम बनाया है। हमारा काम है गांव और सरकार को जोड़ना, हमारा काम है गांव के लोगों को में जागरूकता आए, हमारा काम है गांव कमेटी को जीसीबी का सहयोग करना, सीमेंट का सहयोग करना,
हमारा काम है एक गांव के लोग जो अमेरिका में रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, उसको साथ संवाद कर उसकी गांव कमेटी को मदद करे बनाने की। हाँ, हमारा काम से ये अभियान अंतर्गत लाखों से ज्यादा वो डैम तालाब हुआ है। जलधारा ट्रस्ट फिलहाल और कुछ सेवा में लगी है? सतत हमारा कोई नहीं कोई काम चलता है। 2003 में मैं बेटी बचाओ अभियान उनके साथ जुड़ा। क्यों कि मैं जूनागढ़ जिला के प्रवास में था तो एक गांव के गुजुर्ग लोगों ने मुझे बताया कि पानी का तो बहुत अच्छा काम हुआ लेकिन हमारे गांव में 200 कुंवारे लड़के हैं। मैंने बोला कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कर सकते हैं। क्यों कि पानी के लिए तो भाई बहन इकट्ठा होते हैं तो उसमें अपने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए हृदय परिवर्तन कराना है, थोड़ी बात रखनी है। तो मैंने 2003 में इस पे ऊपर टड़ी की अभ्यास किया तो 2003 से पानी बचाओ अभियान के साथ साथ बेटी बचाओ अभियान रख दिया। बेटी बचाओ अभियान रख दिया तो हमारे बेटी बचाओ अभियान आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए इस पे ऊपर हमने काम किया, चिंतन किया। तो हमारे समक्ष जो बात आई कि 1970 में हमारे देश में कुटुंब नियोजन का कार्यक्रम आया तो उन्होंने क्या असर डाली कि बगल बगल में दो घर है, एक घर में पहली दो लड़की हुई तो उसमें उन्होंने तो लड़का चाहिए तो उन्होंने कुटुंब नियोजन का कार्यक्रम नहीं अपनाया, उसके इतना तीसरा लड़का हुआ। लेकिन उसकी बगल ने घर में पहले दो लड़का हो गया तो उसको तो लड़की नहीं चाहिए तो उन्होंने कुटुंब नियोजन का कार्यक्रम कर दिया, ऑपरेशन कर दिया। तो दो घर का सरवाल अलग है, तीन लड़का दो लड़की, अनबैलेंस शुरू हुआ ये मानसिकता के हिसाब से। आगे ये आया कि कुछ घर में ज्यादा लड़की का जन्म हुआ तो उसको कन्या भ्रूण हत्या भी उसमें हुई तो हमारे देश में अनबैलेंस बढ़ गया। एक समय ऐसा था कि 1000 लड़की के सामने 1000 लड़का के सामने 700 लड़की का जन्म होता था, इतना अनबैलेंस हो गया। तो हमने ये कार्यक्रम कैसे आगे ले जाना है तो हमारे मन में एक विचार आया। 2006 में सूरत में हमने एक बड़ा कार्यक्रम रखा। 2006 में हमने जो बड़ा कार्यक्रम रखा है हमारी एक थीम थी 252,000 घर से एक मुट्ठी अन्न और जल इकट्ठा किया, इसमें से एक बेटी बचाओ महालाडू का निर्माण हुआ। ये लाडू था 15,000 मन गूंदी का, उसकी हाइट थी 35 फुट और राउंड था 65 फुट में। ये लाडू के कार्यक्रम में जो कामरेज हमने रखा था तो 12,00,000 लोग इकट्ठे हुए, लाडू का पूजन हुआ, लाडू के साक्षी में शपथ हुआ कि हमारे घर में कदी कन्या भ्रूण हत्या नहीं होगी। 12,00,000 लोगों ने एक साथ शपथ लिया और ये लाडू में से 35,00,000 बॉक्स में प्रसाद रखा, ये बॉक्स पर पेंटिंग था, सभी 35,00,000 घर ने गुजरात भर में गांव गांव भेजा, सभी ने प्रसाद की साक्षी में शपथ लिया कि हमारे घर में कदी कन्या भ्रूण हत्या नहीं होगी। 2008 में हमने सूरत से सोमनाथ सर्वे समाज बेटी बचाओ यात्रा की सारे गुजरात की, हमारे साथ जो गुजरात सूरत मिनी भारत है सूरत में 22 राज्यों के लोग रहते हैं तो हमने सभी राज्य के लोग का लीडर को हमने साथ में लिया। 300 ये यात्रा में फोर व्हील थी तो सभी जो आगेवान है हस्बैंड वाइफ के साथ ये कार्यक्रम में थे, कपल्स में साथ थे और सारे गुजरात में बेटी बचाओ अभियान के लिए बहुत कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई था तो मुख्यमंत्री सूरत में झंडी देने के लिए आया था और अहमदाबाद में कार्यक्रम में भी नरेंद्र भाई आए थे। कुल मिलाकर जो पानी बचाओ की बात हो बेटी बचाओ की बात हो, नरेंद्र भाई 2001 से 2013 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तो हमारा 18 से ज़्यादा कार्यक्रम में वो कार्यक्रम में आए थे। तो पानी बचाओ अभियान में बेटी बचाओ अभियान में सरकार का बहुत अच्छा रोल रहा है, सहयोग रहा है, ऐसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा काम आपने किया है और आप आगे भी करते रहेंगे।
इसके अलावा मानवता के और कौन कौन से काम में आप जुड़े हैं? हमें सूरत आए डायमंड के व्यवसाय में, तो हमारे जैसा बहुत लोग आए, सभी का जो एक मन में भाव था कि सूरत की धरती ने हमने मान सम्मान बिजनेस दिया है, तो सूरत की धरती पर एक ऐसी हॉस्पिटल होनी चाहिए के जो विकसित देशों में है, हमारे अमेरिका में, जापान में, यूरोप में जो हॉस्पिटल होती है इसमें सभी सुविधा होती है। तो ऐसी सुविधा के साथ हमारे सूरत में एक हॉस्पिटल होनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम पालन करती हो, सभी के मन में एक विचार था। सब मिलकर ये विचार को मूर्तिमान करने के लिए आज से 5 साल पहले एक किरण हॉस्पिटल का निर्माण शुरू किया। 2 साल में 10 लाख स्क्वायर फुट की हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, 1 साल में उससे सेटअप हुआ, 3 साल में ये हॉस्पिटल शुरू हो गया। जो मुख्यमंत्री का जो 2013 का जो साउथ का कारो मुख्यमंत्री था नरेंद्र भाई, तब उन्होंने उसका खात्मूत किया था और प्रधानमंत्री के हैसियत ने उन्होंने ओपनिंग किया। तो हॉस्पिटल किरण हॉस्पिटल जो बनी है उस हॉस्पिटल में सभी अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन होता है। अंतर्राष्ट्रीय नियम मेरा कहना यही है कि हॉस्पिटल अंतर्राष्ट्रीय नियम ये कहता है आपकी हॉस्पिटल में सभी रोग का विभाग होना चाहिए। तो किरण में सभी रोग का विभाग है, एक कैंसर हो, हार्ट हो, मगज हो, सभी रोगों का निदान होता है उसका विभाग है। अंतर्राष्ट्रीय नियम बोलते हैं कि विभाग के साथ साथ सभी निदान के लिए अच्छा साधन होना चाहिए, सभी साधन होना चाहिए। तो किरण हॉस्पिटल में 300 करोड़ का सभी रोग के लिए निदान के लिए जो साधन होता है, MRI हो, CT स्कैन हो वगैरह वगैरह, 60 करोड़ का साधन हमने कैंसर के लिए रखा है, मशीनों रखा है, विश्व का नंबर 1 मशीन हमारे पास सभी है। तो विभाग है, साधन है। अंतर्राष्ट्रीय नियम बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियम कहते हैं कि आपकी हॉस्पिटल में विभाग है, साधन है, लेकिन डॉक्टर भी हाजिर होना चाहिए। इमरजेंसी में कोई आता है दूसरी हॉस्पिटल से डॉक्टर आता है, ऐसा नहीं चलेगा। तो किरण हॉस्पिटल में अभी 200 डॉक्टर, 1400 अन्य स्टाफ, 1600 लोगों का स्टाफ है। हमारे हॉस्पिटल में बाहर से डॉक्टर आ सकता है, लेकिन हमारा डॉक्टर बाहर नहीं जा सकता है क्वालिटी सर्वर देने के लिए। इमरजेंसी में कोई आता है तो हमारे डॉक्टर तत्काल मिल सकते हैं। क्वालिटी सर्वर देने के लिए एक मान लो कि नर्स है, ये दूसरी हॉस्पिटल में नाइट में काम करती है, दिवस में हमारी हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो क्वालिटी सर्वर नहीं मिलते। तो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, कहते हैं कि आपका सभी स्टाफ आपका खुद का होना चाहिए, दूसरी हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकेंगे। तो हमारे वॉचमैन से तक डॉक्टर तक सभी 1600 लोग किरण हॉस्पिटल के लिए काम करते हैं। हमारे पास विभाग है, साधन है, डॉक्टर है, लेकिन हमारे देश में हॉस्पिटल में क्या कमी होती है, हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन लगता है, तो इन्फेक्शन रोकने के लिए हॉस्पिटल का जो वातावरण होना चाहिए, जो हमने देखा अमेरिका में दूसरे शहर में, ऐसा हमारे पास नहीं होता है। क्यों? कि उसके ज़्यादा लागत खर्च होता है तो नहीं होता है। तो हमारे लोग क्या करते हैं, तो मरीज को, दर्दी को दवा देते हैं इन्फेक्शन रोकने के लिए, विदेश में नियमित दवा देते हैं। तो हमने 31 करोड़ का खर्च करके ये इन्फेक्शन रोकने के लिए किरण हॉस्पिटल को एक मॉडल दिया है, बहुत अच्छा मॉडल दिया है। इन्फेक्शन रोकने के लिए सभी उपाय अमल में है किरण हॉस्पिटल में, सभी। आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में 2 साल पहले ऑक्सीजन के हिसाब से बालकों का अवसान हुआ था, तो हमारी किरण हॉस्पिटल में 4 लेयर का ऑक्सीजन का प्लान है। बाहर 20,000 लीटर की टैंक है, इसमें 15,000 लीटर का जो 5,000 लीटर बाकी होते हैं तब टैंकर ऑटोमेटिक आ जाता है, और 4 लेयर का सपोर्ट, एक प्लान बंद हो गया तो ऑटोमेटिक दूसरा हो जाता है।
दूसरा बंद हुआ तो ऑटोमेटिक तीसरा हो जाता है। चार लेयर का सपोर्ट के साथ हमारा ऑक्सीजन प्लांट है। हमारे जो प्लानिंग चल रहा था 5 साल पहले, तब कलकत्ता में एक हॉस्पिटल में आग लगी थी, तो 280 दर्दी का अवसान हो गया था। तो हमने निष्णांत को बोला कि जो आग का शॉर्ट सर्किट ही कारण होता है, तो उसने रोकने के लिए कोई आपके पास उपाय है? तो उन्होंने हमको बताया कि विश्व के बड़े एवं 6 बिल्डिंग है जे दुबई का बूस, इसमें केबललेस फिटिंग होता है। केबललेस फिटिंग होता है इसलिए वो गर्म थाना शॉर्ट सर्किट होना ये होता ही नहीं है। तो हमने किरण हॉस्पिटल में जो दुबई में बूस में केबललेस फिटिंग है वो फिटिंग लगाया है। सेफ्टी के लिए भी किरण हॉस्पिटल अच्छी है, सुविधा के लिए भी अच्छी है। तो जो अमेरिका में अच्छी हॉस्पिटल में सारवार मिलती है, ऐसी सारवार सूरत के किरण हॉस्पिटल में मिलती है। पिछला 18 महीना में किरण हॉस्पिटल में 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने सारवार ली है, 22,000 से ज़्यादा ऑपरेशन हुआ है, 30,000 से ज़्यादा जो भारत सरकार के और राज्य सरकार की जो माँ योजना है उस माँ योजना माध्यम से सेवा ली है। माँ योजना में क्या होता है, उसको खुद को एक भी बिल नहीं चुकाना पड़ता है, सरकार देती है। तो इसमें 30,000 पे की 4,000 से ज़्यादा ऑपरेशन हुआ है। इसमें जो माँ योजना में बड़े बड़े ऑपरेशन आते हैं, स्टेंट वाल बाईपास वगैरह वगैरह मोटा ऑपरेशन आते हैं, बड़े ऑपरेशन आते हैं, वो ऑपरेशन हुआ है इसमें। हमारे किरण हॉस्पिटल में जो आयुष्मान भारत, जो भारत सरकार ने जो आयुष्मान भारत योजना बनाई, बहुत अच्छी योजना है। हमारे जो देश में 10 करोड़ परिवार की जो इसमें शामिल है, ये पैकेज हमारे गुजरात के 45 लाख परिवार इसमें शामिल है 2011 के सेंसस के मुताबिक। हाँ, और सूरत जिला की बात करते हैं तो 5.5 लाख परिवार इसमें शामिल है। आयोजनी की विशेषता ये है कि कोई अन्य राज्य के लोग भी इसमें सारवार दूसरे राज्य में ले सकते हैं। सारे भारत में एक सिस्टम से ये योजना चल रही है, आयुष्मान भारत में भी किरण में काम हो रहा है। तो जो किरण हॉस्पिटल बने सूरत के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय सेवा में इसमें सुविधा है, और 4 राज्य से इसमें दर्दी आते हैं, विदेश भी आते हैं। तो ये हम तो ऐसी आशा रखते हैं कि कोई हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़े, लेकिन जाना पड़े तो अंतर्राष्ट्रीय सुविधा सूरत के धरती पर मिल सकती है। ये कल्पना के साथ किरण हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। बहुत बढ़िया सर। एक सवाल मैं पूछूंगा, डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया और कनुभाई टेलर से आप काफ़ी परिचित हो, और आपने पहले संबोधन में भी उनका नाम लिया था, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो दिव्यांगों की वो सेवा कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपके दृष्टिकोण से थोड़ा प्रतिभाव दीजिए। कनु भाई से बहुत साल से हम पहचानते हैं। कनु भाई दिव्यांग के लिए बहुत काम किया है। कनु भाई का प्रयास के हिसाब से सूरत का, दक्षिण गुजरात का, गुजरात का एक भी दिव्यांग दुखी नहीं है। पहले क्या हम देखते थे, दिव्यांग लोग की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए 4 रास्ता पर उसको सहयोग मांगने के लिए खड़ा रहना पड़ता था। अभी सूरत में एक भी दिव्यांग हमने कभी कोई 4 रास्ता पर खड़ा नहीं देखा। वो उसकी कारण कोई हो तो हमारे कनु भाई है। तो कनु भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, अने साथ में जो सारे देश के दिव्यांग के आवाज़ बनने के लिए वो जो दिव्यांग चैनल का काम किया है, ये तो बहुत बढ़िया काम किया है। तो कनु भाई के लिए तो जितना उसको अभिनंदन देते हैं इतना कम है। सर, अंत में एक सवाल करूँगा कि मथुरभाई सवानी एक व्यक्ति, अगर क्या ऐसी कोई इच्छा या मनीषा आपके दिल में है कि वक्त मिले तो ये जो जीवन के अंत से पहले आप कुछ और कुछ जबरदस्त काम करने की इच्छा है आपकी?
मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि मेरे आप सारे देश की बात सुनिए, तो आप जैसे मेरे जैसे देश में 400 से 800 करोड़ लोग है दुनिया में, सभी के लिए कोई नहीं कोई रोल कुदरती निमित्त करते है। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मुझे से कुछ होता है भी नहीं है। इस सभी जो काम हो रहा है वो कुदरत की इच्छा, कुदरत की व्यवस्था के हिसाब से हो रहा है, कुदरत की व्यवस्था के हिसाब से हो रहा है। इसलिए मेरी तो एक ही लाइन क्लियर है कि मेरा स्मरण में कुदरत जो डालते हैं वो उसको मेरे दिल लगा के काम करना है, यही एक मेरी तमन्ना है। कुदरत को जो डालना है डाले, वो मैं उस काम के लिए करने के लिए प्रयत्न करता हूँ। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद करते हैं सर। आज का ये व्यक्ति विशेष कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त है। दर्शकों, दोबारा एक विशेष व्यक्ति से दोबारा मुलाकात होगी, तब सबके लिए इजाजत।